उन्नाव में मोरावा थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली 13 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता की 2 वर्षीय छोटी बहन की पानी भरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। परिजन उसे आनंद फानंद में इलाज के लिए सीएससी ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीओ ने बताया कि पानी भरे गड्ढे में गिरकर डूबने से मौत हुई है। बता दें, दुष्कर्म पीड़िता के घर पिछली घटना के बाद से फोर्स तैनात रहता है। दरअसल मोरावा थाना क्षेत्र के गाँव की रहने वाली दुष्कर्म पीड़िता के घर में आग लगाए जाने से 4 माह का बच्चा और 3 माह की बहन झुलस गए थे। घटना के बाद से उनके घर पर 24 घंटे सुरक्षा के मद्देनजर फोर्स की तैनाती रहती है। वहीं गुरुवार को भी आरक्षी मनोज और महिला कांस्टेबल मोनिका उनके घर के पास ड्यूटी पर मौजूद थे। इस दौरान दुष्कर्म पीड़िता की 2 वर्षीय बहन घर के पास स्थित गड्ढे में डूबी मिली। जानकारी होने पर आनंद फानंद में परिजन उसे गड्ढे से बाहर निकालकर सीएससी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना को लेकर सीओ सिटी आशुतोष कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। किसी के द्वारा सूचना दी गई कि हत्या है, जो कि असत्य है। सभी पहलुओं की जांच पड़ताल की जा रही है। बच्ची घर के बाहर खेलते समय गड्ढे में गिर गई थी, जिस कारण उसकी मौत हुई है। शाम लगभग 6 बजे थाना मोरावा पुलिस को सूचना मिलती है कि लाल खेड़ा गाँव की 2 वर्षीय बच्ची, जो अपने घर के बगल में एक पानी के गड्ढे में डूब गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों से प्राप्त भौतिक सूचना के आधार पर उसका पंचायतनामा करा के पोस्टमार्टम के बाद भेजी गई है। इसमें किसी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये हत्या है, जबकि हत्या की घटना असत्य है। आगे सभी पक्षों की जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य निकल कर आएंगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।